तो अभी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले एक रील पोस्ट किया था, उस पर काफी अच्छे व्यूज आए, 7 लाख 8 लाख के करीब जो कि है ये वाली, और लाइक आए 1.5 लाख के समथिंग, और कमेंट गए 900 पार। तो मैंने अपने कमेंट्स में ये देखा, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो मैं जैसे सोच में पड़ गया, वैसे आप भी ज़रूर पड़े होंगे कि ये क्रिएट कैसे होता है। पहले मुझे लगा बहुत ही हार्ड होता होगा, पर नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आज की इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। तो आप इस तरह के डॉटेड इमेज टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जाना है अपने पीसी पर, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और आपको यहाँ पर सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर, और उस पर क्लिक करना है, और जो फर्स्ट लिंक आएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा लोड इमेज, उस पर जाओ, और जिस इमेज को आपको कन्वर्ट करना है वो सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी के लिए ये ओपन, और ये जो है मेरी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है, तो ये डाउनलोड भी हो गया, और अब आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, मतलब यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक करना है फाइल चूज़ पर, और यहाँ से अभी जो डाउनलोड हुई थी इमेज जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था, सिंपल आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज टू डॉट्स, उस पर क्लिक कर देना। आपकी फ़ोटो कन्वर्ट हो चुकी है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल ए से कॉपी किया और सिंपल कहीं भी पेस्ट कर लेते हैं। पर ये जो फोटो इतनी क्लियर नहीं आ रही है, हो सकता है ये इमेज ही ऐसी हो, हम दूसरी ट्राई करके देखते हैं। इस पर गए बैक, लोड इमेज, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन, ये बैकग्राउंड रिमूव, डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड, उस पर वापस गए और यहाँ से चूज़ फाइल पर गए और इसको सेलेक्ट किया, ओपन इमेज टू डॉट्स। ये देखो इस इमेज का एकदम परफेक्ट पता लग रहा है, कंट्रोल ए से पूरा कॉपी, मतलब सेलेक्ट किया और फिर कॉपी करते हैं, और फिर आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।